पहले नगर पालिका, फिर नगर पंचायत, उसके बाद फिर नगर परिषद, कितना बदलाव हुआ। हम बात गढ़वा नगर परिषद की कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा इस बार भले नहीं हुई हो, अभी देर है चुनाव की घोषणा होने में, लेकिन जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके द्वारा जनसंपर्क अभियान मतदाताओं के बीच जाकर के शुरू कर दिया गया है। कितना विकास हुआ, कितना बदलाव हुआ गढ़वा नगर परिषद में, क्या काम हुआ, क्या करना अभी बाकी है, सब तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन हम पहले दिखाएं आपको कि अभी संभावित जो प्रत्याशी हैं नगर परिषद के, जो वर्तमान वार्ड पार्षद भी हैं रश्मि सिन्हा, और अध्यक्ष पद की भावी प्रत्याशी, उनके द्वारा जनसंपर्क शुरू कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे उनके साथ ने लोग हैं जो जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, लगातार अहले सुबह से भी निकलते हैं, देर शाम भी निकलते हैं लोगों से, ताकि मतदाताओं से ज्यादा जुड़ाव हो सके। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे। पहले नगर पालिका था, उसके बाद नगर पंचायत हुआ, फिर नगर परिषद, कितना बदला। विकास जो होना चाहिए था, जो काम होना चाहिए था नगर परिषद में, उसमें कितना बदला हुआ, क्या देखती हैं आप, वार्ड पार्षद भी खुद भी हैं। जितना 15 वर्षों में होना चाहिए विकास गढ़वा का, वो नहीं हो पाया है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि गढ़वा का समुचित विकास हो सके और एक गढ़वा एक मॉडल के रूप में सबके सामने आए, और गढ़वा भी सब जिलों में सबसे अव्वल नंबर पे रहे। सही बात है, लगातार जनसंपर्क भी आप कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, क्या कर जनसंपर्क से कह रहे हैं कि इस बार मौका दें और हम लोगों को विजयी बनाए, ताकि हम लोग जो भी हम लोग का सपना है वो पूरा कर सके, जो सपना है, जो ख्वाब है, वो ख्वाब पूरा हो सके। क्योंकि नाम बदलता गया, नगर पालिका से नगर पंचायत से नगर परिषद हुआ, लेकिन विकास के रूप में कितना नाम हुआ इस नगर परिषद क्षेत्र का, और जिलों के रूप में इसे अग्रणी बनाने की बात हर बार होती है, उसमें कितना पायदान या आगे बढ़ सका, कितना ऊंचा चढ़ सका, इसकी बात करें। हमारे साथ प्रतिनिधि जितेंद्र सिन्हा जी भी हैं, लगातार आप देख रहे हैं उस समय से जब से नगर पालिका था, आज नगर परिषद है, लगातार चुनाव होता गया, लोग निर्वाचित होते गए, कितना बदलाव होना चाहिए था, जो वर्तमान में भी आप देख रहे हैं, नगर परिषद में क्या करना जरूरी। देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं कि 15 साल में क्या विकास हुआ या क्या होना चाहिए था, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज छोटा छोटा अपने नगरीय सुविधाओं के लिए पब्लिक एकदम त्राहिमाम है, कहा जाए तो जो वो होना चाहिए नहीं हुआ। यहाँ हम आपको बताने चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि नगर परिषद नगर विभाग द्वारा गढ़वा को कम पैसा नहीं मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन सही जगह पर सही संसाधन का यूटिलाइज नहीं होता है, जिसके कारण आज नारकीय स्थिति बनी हुई है। इसके लिए हम तो किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो जो संबंधित लोग हैं वो वही हैं। इसी चीज को, इसी मुद्दा को रखिए, हम 15 साल से लगे हुए हम देखते हैं कि अगर शहर के कुछ खास इलाका को छोड़ दिया जाए तो बाकी इलाकों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आखिर पब्लिक है, होल्डिंग देता है, सारा चीज है, उसको सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन उस सुविधा हम लोग देने में अभी तक नगर परिषद आपको सफल नहीं हुई है, और इसका एकमात्र कारण है कि सही नेतृत्व आज तक नहीं मिल पाया है। हम लोगों ने इस बार बीड़ा उठाया है आप लोगों के सहयोग से, गढ़वा के लोगों के सहयोग से, कि हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। पब्लिक यहाँ की छोटा सा गढ़वा है, हर किसी से परिचित है पब्लिक, पब्लिक को हम लोग अपना भी उम्मीदवारी दे रहे हैं। अगर पब्लिक को लगे कि हम लोग उनके लायक हैं तो हम लोग को लावे, और हम निश्चित रूप से कहते हैं कि जो स्थिति बद से बदतर हुई है उसको हम लोग 5 साल बल्कि 3 साल में करके दिखा देंगे, जो कि मॉडल टाउन के रूप में इसको जाना पहचाना जाएगा। सही बात है, निश्चित रूप से ख्वाब पूरा होना चाहिए। आप भी साथ में गोरे जनसंपर्क अभियान यहाँ पर चल रहा है इनका, रश्मि सिन्हा जी, लोगों के बीच जब आप जा रहे हैं तो जो मत देते हैं, अपना बहुमूल्य मत देते हैं इस आस के साथ कि विकास हो नगर परिषद का, किस रूप में भावना अपना व्यक्त करते हैं, किस रूप में देखते हैं वो कि नगर परिषद कितना बदला। पब्लिक वांट्स चेंज, जनता जो है सो बदलाव चाहती है। हम शुरू से, जब से नगर पंचायत का चुनाव हुआ, उस समय से मैं हर चुनाव में भागीदारी निभाता हूं। बहुत हम लोग जब भी चुनाव प्रचार में जाते थे, पांडे जी साहब साथ जाते थे, तो हम लोग बहुत सारे वादे करते थे, लेकिन ये जो है सो कोई हमको विशेष बदलाव नहीं आया है। पिछले 2 चुनाव में जो प्रत्याशी रहे, अध्यक्ष रहे,
अभी आप देखिए आपके सामने जो है सो गंदगी पड़ी हुई है, इसको देखने वाला कोई नहीं है रोड पर। ये पॉश एरिया है, चिनिया रोड पॉश एरिया, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कभी इन लोग जो है सो कोई भी पदाधिकारी अध्यक्ष हो चाहे कोई हो इस पर ध्यान नहीं देता। उधर देखिए कचरा भरा हुआ है, कहे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अब हम लोग चाहते हैं नदी तरफ भी जाते हैं आप? हाँ नदी तरफ भी जाते हैं, सहिया छठ घाट पर गए, वहाँ की सफाई देख करके तो लगता है कि नदी बस स्टैंड से आगे और नदी में बालू है कि कचरा ज्यादा है? कचरा ज्यादा है, वहाँ कचरा है, कचरा भरा हुआ है, वहाँ तो मैं जाता ही हूँ, हर जगह कचरा भरा हुआ है। इसीलिए अवर बार हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि जो लगातार आ रहे हैं उनको चेंज करें, दूसरे को मौका दें कि इनका भी कार्य हम लोग देखें, इनको भी 5 साल का मौका हम लोग देते हैं, देना चाहते हैं कि ये भी कुछ नगर का गढ़वा शहर का विकास करें। क्या देख रहे, क्या चाह रहे हैं इस बार होना चाहिए नगर परिषद विकास के लिए? नगर परिषद में पहले तो विकास के लिए बदलाव बहुत जरूरी है और हम लोग वार्ड 14 से आते हैं। यहाँ के वार्ड पार्षद हमारी रश्मि सिन्हा जी हैं और ये हम देखते आ रहे हैं बहुत नजदीक से कि बहुत कसक दिल में इनका है कि हम जो चाह रहे हैं उस तरह से हो नहीं पा रहा है। और जब तक पूरा नगर परिषद का अगर नेतृत्व नहीं आएगा तब तक संभव नहीं दिख रहा है। अभी तो विदित है कि कहीं भी कहीं कचरा पड़ा हुआ है, नदी की स्थिति वैसे ही है, कहीं भी कुछ तरह से मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ मतलब गढ़वा एक नगर हाँ जो होना चाहिए नहीं हुआ। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब आप शरीर कलों का एक्सरसाइज कराते हैं प्रशासनिक स्तर पर और जो पद पर निर्वाचित हुआ आज इतने सालों से वो कितना एक्सरसाइज किया विकास के लिए? विकास पहले से हो रहा है, धीरे धीरे और विकास की उम्मीद है कि और अच्छे से हो, और जो भी प्रत्याशी लोग है अपने अपने स्तर से कर रहे हैं लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए और उसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे अभी गंदगी वगैरह भी है तो ये बहुत जगह पड़ा हुआ है तो अभी ट्रैक्टर वगैरह सभी उठ रहा है लेकिन और इसमें सुधार की आवश्यकता है और हम लोग चाहेंगे कि इसमें सभी लोग मिल करके और हम सभी लोग मिल करके इसका विकास करें अच्छे से। और हम चाहेंगे कि अध्यक्ष पद पर अभी जो हमारे श्रीमती रश्मि सिन्हा जी हैं वो भावी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के समर्थन में हैं और हम लोग चाहेंगे कि ये आगे अध्यक्ष पद पर निश्चित तौर पर जीत कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लगातार मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, अभी तो सर खैर अभियान की शुरुआत हुई है, जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ है, अभी तो अन्य प्रत्याशियों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे लेकिन आज हमने आपको मुलाकात कराया। जनसंपर्क अभियान में निकली थी, वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं रश्मि सिन्हा और अध्यक्ष पद की भावी प्रत्याशी भी हैं। इनका कहना है कि लगातार नाम आता बढ़ता गया, नगर पालिका से नगर पंचायत और नगर परिषद हुआ लेकिन विकास के रूप में आज भी नगर परिषद काफी पीछे है। उसी विकास को के पायदान को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे, हमें मौका मिलना चाहिए, जो मतदाता हैं नगर परिषद के उन्हें मौका दें